उसके बाद बेटा ये हमने स्लिंकी के ऊपर या स्प्रिंग के ऊपर पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव्स की बात की है। तो अब बेटा ये जो पोजिशन हैं, ये वैसे तो मेन पोजिशन ये होती है ना, अगर स्लिंकी जो है अपनी नॉर्मल पोजिशन पे हो, इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन ना हो, कोई वाइब्रेशन ना हो, तो ये यूं होता है, ऐसा ही है ना, आपने यहाँ रखा हुआ। लेकिन जैसे इसके अंदर आपने क्या कर दिया, वाइब्रेशन पैदा कर दी, तो कुछ पार्ट जो है इस लिंकी के वो अपनी इस पोजिशन से, नॉर्मल पोजिशन से हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद है, इनको हम क्रस करते हैं, डेफिनेशन आगे आ रही है। और ये जो पॉइंट्स हैं जो एट द लोएस्ट पोजिशन फ्रॉम द अर्थ मीन पोजिशन है, दे आर सेड टू बी द ट्रफ्स, इन हम ट्रफ्स कहते हैं। तो बेटा दो मुत्तसिल, कंजेक्टिव का मतलब मुत्तसिल जुड़े हुए, ठीक है, समझ आ गया। जो आपके क्रस्ट हैं इनके दरमियानी फासला, या जो कंजेक्टिव ट्रफ्स का दरमियानी फासला जो होता है बेटा, हम उसको वन वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वन वेव लेंथ। और उसको लैम्डा से शो करते हैं, ग्रीक लेटर लैम्डा से। तो कंप्रेशनल वेव्स क्या होती हैं, आपने देख लिया था अभी स्लिंकी के ऊपर, या मैंने आपको हवा के मॉलिक्यूल्स भी जो थे वाइब्रेट करते हुए दिखाए हैं। तो बेटा इनकी डेफिनेशन ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फॉरवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, आर दैट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है, दे आर सेड टू बी, बट दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशनल वेव्स। और साउंड वेव्स इनकी एग्जांपल है, और अभी मैंने आपको इसकी एनिमेशंस भी दिखाई हैं। इस एनिमेशन में यहाँ पे एक सिलेंडर में हवा को बंद किया, ये उन्होंने इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो पार्टिकल्स है बेटा, यहाँ देखो रेड कलर के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर ऊपर, और वेव किधर को जा रही है, आगे को जा रही है, इन दिस डायरेक्शन। तो जो पार्टिकल्स द मीडियम की वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन, वो पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, समझ आया। तो सच सॉर्ट ऑफ वेव्स आर सेड टू बी कंप्रेशनल वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसकी एग्जांपल साउंड वेव्स है, प्रॉब्लम किसी को। फिर कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बेटा, इन्होंने स्लिंकी के ऊपर मैंने आपको ये भी एनिमेशन दिखाई थी, ज़रा दोबारा से अगर हम चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे एक और एनिमेशन, ये बेटा अब ये कंप्रेशन प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, अब अपना हाथ पीछे करेंगे, ये रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्रेशन आगे जा रही है, और रेयर फ्रैक्शन साथ साथ ये कंप्रेशन फिर आ रही है, ये यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर हुआ ना। तो ये कंप्रेशन तो रेयर फ्रैक्शन से सिलसिला जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन प्रमोशन में होती है, और ये ट्रांसवर्स वेव्स के भी वो आगे आपको एग्जाम्पल देंगे, लेकिन हम वापस अपने लेक्चर पर चलते हैं। तो ये उन्होंने आपको बता दिया। अगर आप गौर कीजिएगा, ये जो रीजन है यहाँ पे जो टर्न्स हैं वो बहुत करीब करीब हैं, और यहाँ पे जो टर्न्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। तो दीज रीजन आर सेड टू बी द रियर फ्रैक्शंस, और जो ये वाले रीजन है जिन्हें हम कहते हैं कंप्रेशंस, दीज आर कंप्रेशंस, और दूसरे जो है दैट दे आर द रियर फ्रैक्शंस, ठीक है, ये रियर फ्रैक्शंस हैं, ये कंप्रेशंस। तो बेटा दो कंजेक्टिव कंप्रेशंस के सेंटर्स के दरमियानी फासला, या दो कंजेक्टिव रियर फ्रैक्शंस के एक सेंटर्स के दरमियानी फासला एक वेवलेंथ होता है, इन द केस ऑफ कंप्रेशनल वेव्स। इन्हें प्रेशर वेव्स भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अरे एक और बात बता दूं, जब भी वेव्स हवा में प्रोड्यूस होंगी कंप्रेशनल होंगी, कौन सी होंगी? क्यों? हवा के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो प्रेशर वेव्स ही प्रोड्यूस हो सकती हैं, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश कर सकते हैं लेकिन पुल नहीं कर सकते। इन द केस ऑफ स्लिंकी आपको पता है एक टर्न दूसरे टर्न को क्या कर रहा होता है, पुल भी कर रहा होता है, पुश भी कर रहा होता है, समझ आ रही है। अब ये स्लिंकी जो है इसमें एक टर्न दूसरे टर्न को पुश भी करेगा, पुल भी करेगा, इसमें बेटा जो है पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है लेकिन वहां पे स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं होते। तो हवा में जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसवर्स नहीं होती, वो हमेशा कौन सी होती है? कंप्रेशन होती है, समझ आया। तो ये बेटा आप, देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बेटा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के कितने तरीके हैं? दो हैं, एक थ्रू मैटर है, दूसरा थ्रू वेव्स है। अभी आपने एक एनिमेशन देखी थी, तो अगर मैं आपको दोबारा से अगर वो एनिमेशन रिकॉल करवाऊँ, तो शुरू शुरू में आपने यहाँ पे जो एनिमेशन देखी थी, ये अब इस एनिमेशन के अंदर आप और कीजिएगा, यहाँ पे ये वेव्स यहाँ हमने एनर्जी यहाँ पे दी है, और आपको भी आगे बताया कि पार्टिकल जब मीडियम अपनी जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल जगह दूसरे का ट्रांसफर नहीं होते,
जैसे ये बॉल अपनी जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करती रहेगी, ये आगे ही जाएगी। अब बॉल का आगे ना जाना बता रहा कि जिन पार्टिकल्स के साथ ये बात चिपकी हुई है वो भी ऊपर नीचे अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वेव्स के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर दी। लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, मैटर ट्रांसफर, लेकिन जब मैटर एनर्जी ट्रांसफर करता है, बुलेट है आप यहाँ से फायर करोगे, वो क्या होगा, जो ब्लास्ट है ठीक है, उससे क्या होगा, बुलेट को एनर्जी मिलेगी और वो लेकर चलना शुरू कर देगी, आगे अपने टारगेट के साथ जाकर टकराएगी, वो सारी की तरी अपनी काइनेटिक एनर्जी अपने टारगेट को ट्रांसफर करेगी और वहां पे बेटा वो ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस करेगी। क्लियर हुआ? तो जब मैटर एनर्जी ट्रांसफर करता है, मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ता है, लेकिन जब वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, जैसे ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं ठीक है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लाइक दिस ट्रांसफर हो रही होती है। क्लियर हुआ? सो जैसे अब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई और ये जो वाइब्रेशन है वो क्या करेगी, वो बाय ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम एनर्जी को ट्रांसफर कर देगी टू दिस बॉल और बॉल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? सो ये बेटा इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन ए मीडियम विद द हेल्प ऑफ वेव्स। ये बेटा आपके बुक के ऊपर से मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द वेव्स। फॉर एग्जांपल व्हेन वी शेक द स्ट्रेच द स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड द मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। ऐसा ही है, अभी हमने देखा पीछे तो कहता है एज ए रिजल्ट ए सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। The vibrating force from the hand disturbs the particles of the string and sets them in motion. These particles then transfer their energy to the adjacent particles in the string. समझ आया? अब हमने तो सिरे को पकड़ के लाया था, अब क्योंकि सिरा आगे वाले particles के साथ connected होता है, वो आगे इस तरह energy transfer करता है। तो energy is just transferred from one place to another place, ठीक है? From one place of the medium to the other in the form of waves. The amount of the energy carried by the wave depends upon the distance, ठीक है? अब energy जो waves लेके जा रही है वो किस पे depend करती है? Distance पे, of the stretch। अब अगर आप string को ज़्यादा stretch करोगे, ज़्यादा जोर से झटका दोगे तो ज़्यादा energy जाएगी, ठीक है? Distance of the stretch string from the rest position, that is the energy in the wave depends upon the amplitude। अच्छा बेटा आप ये भी गौर से सुन लो, amplitude की definition मैंने आपको बता दी थी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया और इस सॉर्ट की वेव जो है वो जाना शुरू हुई, अब बेटा ये तो आपने डिस्टरबेंस क्रिएट की, दैट इज एम्पलीट्यूड। वेव, इसे वेव की हाइट भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेव। तो जो एम्पलीट्यूड है बेटा ये मैयर है किसकी, वेव की एनर्जी की। समझ आया नहीं? तो जो एनर्जी ऑफ द वेव है that is directly proportional to the square of the amplitude. Amplitude jitna zyada hoga utni hi zyada energy hogi, theek hai? Ye maine ek jagah pe relation padha to aapko bata raha hu. The amount, theek hai, the amount of energy carried by the wave depends on the distance of the stretched string from the rest position. That is, the energy in the wave depends on the amplitude of the wave. If we shake the string faster, agar hum zyada zor se jo string hai use hilayenge, jo shake karenge, तो वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द टू प्रोड्यूस द वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड। याद है किसी को प्रॉब्लम? अब वाटर वेव्स जो है, कौन बेटा? वाटर वेव्स जो है बेटा, वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और आपने बेटा देख लिया वो एनिमेशन के अंदर, ये उन्होंने वो एनिमेशन जो है उसको। तो ये कॉर्क पड़ी हुई है, यहाँ आपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की और ये वाइब्रेशन आस्ते आस्ते कॉर्क ऊपर नीचे लाएंगे, तो एनर्जी ट्रेवल्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? कॉर्क एंड वाटर गोज अप एंड डाउन, वाटर भी ऊपर नीचे मूव करता है। तो ये बता रहा है ड्रॉप ए स्टोन इन टू ए पॉन्ड ऑफ वाटर, वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड एज शोन इन द फिगर 10.10। सो प्लेस ए कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन। When waves reach the cork, it will move up and down along with the motion of the water particle by getting energy from the waves. So, ये बेटा इस तरह energy transfer होती है, ये activity अभी हमने की behind the animation. So, examples of the energy transfer through the waves, अब बेटा light आप तक पहुँचते किसकी form में? Energy की form में, with the help of waves, ठीक है? Heat energy reaches us from the sun in the form of waves. Sound energy reaches us in the form of waves, ठीक है?
अब बेटा आगे क्या एनर्जी ट्रांसफर करनी है विद द हेल्प ऑफ मैटर। तो आपको पता है 9th क्लास में हमने देखा था कि जो एक डैम से पानी जो है टनल के जरिए टर्बाइन के फैंस को आके चलाता है, तो वाटर को खुद ट्रेवल करना पड़ता है, वाटर मूव होता है, एक जगह से चलता है, डैम से चलता है और टर्बाइन के फैन तक आ गया, टर्बाइन को आगे घुमाता है, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन को ट्रांसफर होती है। तो जब एनर्जी मैटर के जरिए ट्रांसफर होगी तो फिर क्या होगा, मैटर को भी मूव करना पड़ेगा। तो जब एनर्जी मैटर के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो मैटर भी ट्रांसफर होता है, लेकिन जब वेव के जरिए ट्रांसफर होते हैं तो जो मैटर है वो ट्रांसफर नहीं होता। तो क्या बंदा पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय वेव्स एंड मैटर। तो फर्क ये किया कि जब एनर्जी वेव्स के जरिए ट्रांसफर होगी तो मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, और जब मैटर के जरिए ट्रांसफर होगी तो मैटर ट्रांसफर होगा। तो ये द एनर्जी ट्रांसफर बाय द बुलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज एन एग्जांपल ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर बाय मैटर, एंड द एनर्जी ट्रांसफर बाय वाटर रनिंग इन द टनल ऑफ द डैम टू द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन इज एन एग्जांपल ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर बाय द मैटर। प्रॉब्लम किसी को? आगे बेटा कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। ये क्रस्ट क्या होता है मैं आपको दिखा चुका हूं, मैं दोबारा से आपको जरा फिगर में ले जाता हूं। ये बेटा क्रस्ट है, ठीक है, सॉरी पीछे देख लेते हैं। ये क्रस्ट है, ये मीन पोजीशन है, और ये वो पॉइंट है जो कि मीन पोजीशन से हाईएस्ट प्लेस पे है। सिमिलरली ये ट्रॉफ है, ये मीन पोजीशन है, और ये जो पॉइंट्स हैं दे आर द ट्रॉफ्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन था कि क्रस्ट और ट्रॉफ की। तो बेटा क्रस्ट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल एट द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन इन द ट्रांसवर्स वेव्स आर कॉल्ड क्रस्ट, या दोज पार्ट्स आर ट्रांसवर्स वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर एट द हाईएस्ट पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, आर कॉल्ड द क्रस्ट। ट्रॉफ क्या है? दो द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन इन द ट्रांसवर्स वेव्स आर कॉल्ड ट्रॉफ्स। ये बुक पे थी, अब ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। दोज पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स विद द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर एट द लोएस्ट पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन आर कॉल्ड ट्रॉफ्स। तो जो पसंद हो वो याद कर लो। कंप्रेशंस क्या होती हैं? अभी हमने एनिमेशन में देखा कि ये यहाँ पे यहाँ मीडियम के पार्टिकल, या अगर मैं एनिमेशन में आपको दिखा दूँ तो वहाँ पे भी हम देख लेते हैं। जी सी हियर इन द स्ट्रिंग नॉट वी विल सी, तो यहाँ बेटा क्या हो रहा है, ये जो प्लेसेस हैं ये कंप्रेशन हैं, और ये जो प्लेसेस हैं ये रिफ्रैक्शन हैं। क्लियर हो गया? हवा में ऐसे ही हो रहा था, लेकिन अब हमारी आंखें जो है इतनी हसास नहीं है कि इन चीज़ों को देख सकें। ये बेटा कंप्रेशन रिफ्रैक्शन है। डेफिनेशन क्या है कि बेटा दोज पार्ट्स ऑफ कंप्रेशनल वेव्स वेयर द प्रेशर इज वेरी हाई आर कॉल्ड कंप्रेशन, एंड दो रिफ्रैक्शन क्या है, दोज पार्ट्स ऑफ द कंप्रेशनल वेव्स विद द प्रेशर इज वेरी लो आर कॉल्ड रिफ्रैक्शन। फ्रीक्वेंसी क्या बेटा, अब आप गौर कीजिएगा, ये एक पॉइंट है। अभी से एक पॉइंट से अगर हम ये पता करें एक सेकंड में कितनी वेव्स जा रही हैं, अभी हमने ये जो रखा हुआ था ना बॉल, इस बॉल से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं। ये क्रस्ट पास हुआ, फिर दूसरा क्रस्ट, एक वेव पास, तीसरा क्रस्ट, चौथा क्रस्ट, समझ आया? कितने क्रस्ट पास हो रहे हैं एक सेकंड में, उतनी वेव्स पास हो रही हैं। सो अब बेटा हम वापस चलते हैं। तो ये डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की, द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन वन सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। एंड व्हाट इज वेव लेंथ, अभी मैंने बताया द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स, दो मुत्तसिल क्रस्ट या ट्रफ्स के दरमियान की फासला एक वेव लेंथ, और इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, ग्रीक लेटर लैम्डा से। टाइम पीरियड क्या बेटा, तो वेव का जो टाइम पीरियड है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो टाइम पीरियड क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन वेव, एक वेव को प्रोड्यूस होने में कितनी देर लगती है, दैट इज सेड टू बी the time period of wave, ठीक है? अब बेटा relation between the time period and frequency क्या? तो time period and frequency of wave are reciprocal of each other when t is equal to 1 by f. कैसे? time period की definition ये है, number of seconds per one per wave, कि ये कितने seconds चाहिए एक waves को बनने में, और ये क्या है, कितनी waves बनेगी एक second में, तो वो था reciprocal, समझ आया? तो अब अगर मैं यूं लिख दूं कि टाइम पीरियड को, मैं अगर इसको कह दूं ये कैपिटल टी है, एंड दिस मैं नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ सेकंड्स को नीचे ले जाऊं, ऊपर वन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वेव्स पर सेकंड्स, तो ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी बन गया। सो फ्रॉम हियर यू हैव प्रूव दैट कि टी इज इक्वल टू 1 बाय एफ। प्रॉब्लम किसी को? सिमिलरली बेसिक डेफिनेशन के अंदर की ये आगे वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या, तो
the speed with which or the velocity with which waves travel from one place to another place is called the velocity of the wave. और उसके mathematical form क्या ही है? Distance traveled by the wave divided by time taken. तो ये basic definition थी. अब बेटा हमें क्या बंदा ये कहते हैं कि wave की frequency, उसकी wavelength और उसकी speed में क्या relation है? कोई बंदा आपसे paper में ये कहते हैं what is the relationship between the velocity, frequency and wavelength of a wave or prove that v is equal to wavelength. This is the relation. अगर ये पूछे तो ये रिलेशन दे देना. प्रूव का कहे तो ये रिलेशन प्रूव करना. अब प्रूव कैसे करना बेटा? अगर हम ये कह दें इफ द टाइम टेकन बाय अ वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड. बात समझ आई कि एक वेव है, उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो टाइम ले लिया, ये पी प्राइम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में वेव ने जितना टाइम ले लिया, या मैं अगर ये कह दूं कि एक पॉइंट पी ये था, यहां से दूसरे पॉइंट पी प्राइम तक वेव ने जाने में जितना टाइम लिया, वो टाइम उसके टाइम पीरियड के बराबर है. अब आप मुझे कैपिटल डी का नाम दे दिए. अब आपको ये पता बेटा ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड, ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड कितनी वेव्स बनती हैं? वन वेव. इसका मतलब अगर पीछे से एक वेव बन रही है तो ये वेव यहां से आगे कितना जाएगी? वन वेव ही जाएगी ना. तो मैंने मेरे पास समझे एक टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी लेंथ के बराबर. नहीं समझ आया? एक टाइम पीरियड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड एमन कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या? वन वेव ही प्रोड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन वेव, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन वेव. अगर एक टाइम पीरियड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है? एक वेव प्रोड्यूस हो रही है. तो इसका मतलब बेटा अब देखो, यहां अगर ये सोर्स है, सोर्स से वेव पैदा हो रही है, मैं कहता हूं यहां से एक वेव निकली, अब यहां से वेव ने चलना शुरू किया और आफ्टर वन टाइम पीरियड वेव कहां पहुंच चुकी है? यहां पे एक रस पूरा आ गया, एक ट्रफ पूरा आ गया, एक वेव मुकम्मल बन गई है. तो वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक? वन लैम्डा. नहीं समझे? वन वेव लेंथ. भाई एक वेव की लेंथ ना, गौर करो वेव लेंथ. तो वेव ने एक टाइम पीरियड में अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो अगर वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम ले रही है? कैपिटल डी. तो फिर वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव कवर्ड बाय द वेव ड्यूरिंग दिस टाइम विल बी वन वेव लेंथ. एक वेव बनेगी तो एक वेव लेंथ के बराबर वेव आगे चली जाएगी. तो आपको डिस्टेंस भी मिल गया. हैज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज लैम्डा इन दिस टाइम डी एंड द टाइम टेकन बाय द वेव टू कवर लैम्डा डिस्टेंस इज टी. बट पुटिंग द वैल्यूज इन दिस डेफिनेशन, डिस्टेंस की जगह लैम्डा आ जाएगा, टाइम टेकन की जगह कैपिटल टी आ जाएगा और आपके पास ये वी आ गया. डेफिनेशन यूज कर ली, ठीक है. अब बेटा इसको थोड़ा सा सेपरेट किया, लैम्डा मल्टीप्लाई वन बाय टी लिख सकते हैं ना यू भी. ये किसके बराबर है? बिकॉज यू नो दिस इज इक्वल टू वन बाय टी इज इक्वल टू वन बाय एफ. Or we can write from here. This implies that f is equal to 1 by t. So we will replace this 1 by t by this f. समझ आया? So what we will have here? यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? V is equal to f lambda. पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या लिखा हुआ था कि v is equal to lambda times 1 by t. अब 1 by t किसके बराबर है? This is equal to f. So what will happen? We will lambda. Lambda, or you can write it like this, v is equal to f lambda. So hence it has been proved. So the definitions use hoti hain. Aapne kaha that if the time taken by the wave to travel from one point to the other point is one time period, then the distance moved by the wave is one lambda. Putting the values in the definition of the velocity, you will have this v is equal to lambda by t. Putting the value of 1 by t, you will have the formula v is equal to f lambda. Problem kisi ko. So do formula aapne proof kiye. कभी कभी बेटा ये फार्मूला भी यूज करेंगे v इक्वल टू लैम्डा बाय t, और कभी कभी हम ये भी यूज करेंगे. तो बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे. कल के लेक्चर में रिपल टैंक क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को समझेंगे, रिपल टैंक के बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, रिपल टैंक के एनिमेशन देखेंगे, इसको यूज कैसे करते हैं, मतलब सारा कुछ इंशाल्लाह. प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे और थियोरेटिकल डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे और कुछ थ्योरम्स करेंगे, कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पहला इंशाल्लाह वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा और हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा. किसी बच्चे को बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, बात ना समझ आई हो, थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग सारा कुछ का आज हमने पढ़ा गया. वेव से शुरू किया था, है ना,
डेफिनेशन की, फिर वेव्स क्यों इंपॉर्टेंट है कुछ देखा, एक्टिविटीज की कुछ वीडियोस देख ली, टाइप्स ऑफ वेव्स को देखा, बुक से डेफिनेशन की, मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स देख ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन की एग्जांपल्स देख ली, फिर बेटा मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स देखी, उनकी डेफिनेशन की, कुछ एनिमेशन देख ली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देखा उनकी, ठीक है, फिर बेटा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर करते हैं, दो तरीके हैं, ये हमने कुछ आपकी बुक से ही पढ़ा, एक पैराग्राफ है जो कि मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मैंने कॉपी कर लिया, ये एक एक्टिविटी थी आपकी बुक पे। तो अब बेटा ये है एग्जांपल्स कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है वेव के जरिए से, मैटर के जरिए से, फिर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, फिर हमने कंप्रेशन रेट, फ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, टाइम पीरियड देख लिया, ये प्रूफ देखा, प्रूफ दैट कि सॉरी ये देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या, फिर हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी, और ये बेटा अब हमने रिलेशन प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने में कुछ भी नहीं है, आपने कहना टाइम, देखो ना इस फार्मूले में कितनी चीज़ें आ रही हैं, डिस्टेंस आ रहा है और टाइम आ रहा है, तो अगर हम ये कहते हैं वेव की स्पीड वी है और उसने जो टाइम लिया फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो टी है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी लैम्डा, पुटिंग द वैल्यूज इन दैट फार्मूला ऑन द प्रीवियस पेज यू विल हैव डी की जगह पे क्या आ गया, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखी दूँ आपको बेटा, तो डेफिनेशन ये थी कि वी इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो लैम्डा हमने इंसर्ट कर दिया, टी इंसर्ट कर दिया, थोड़ा सा अलग किया, इसकी आप डाल दिया, तो वी इज इक्वल टू लैम्डा प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं है, सारे रिलेशन यूज किए हैं। सो नॉट, कल हम रिपल टाइम के बारे में बात करेंगे, डिफाइन भी करेंगे, ये कुछ पिक्चर्स पहले मैंने दिखाई हैं आपको, फिर डेफिनेशन आ रही है, बुक से निकालेंगे, लेकिन कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, बड़ा दुराने लेक्चर कोई भी बात पूरी लगी हो उसके लिए मदद माफ़ कीजिएगा।